आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 24 घंटे के लिए सील किए गए रीवा के स्नेह पेट्रोल पंप में आज खाद्य श्रम व नौतौल विभाग ने एक साथ कार्रवाई की है। तीनों विभागों की संयुक्त कार्रवाई की शुरुआती जांच में ही यहां भारी अनियमितता निकल कर सामने आ रही है। नापतौल विभाग के द्वारा की गई इस कार्रवाई में 20 लीटर पेट्रोल नापने में कम पाया जा रहा है, तो वहीं खाद्य नियंत्रक अधिकारी ने बताया कि स्नेह पेट्रोल पंप में 4 यूनिटें चल रही हैं और चारों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्नेह पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी वर्ष 2017 के बाद से रिन्यूअल नहीं हुआ है, जिसके लिए अलग से कार्रवाई की जाएगी। विभाग के प्राथमिक जांच में यह देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंप में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन लेन देन में भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्हें पेट्रोल पंप संचालक द्वारा नगद भुगतान करना बताया गया है। खाद्य अधिकारी का कहना है कि लेन देन खाते के माध्यम से होना चाहिए। खाद्य विभाग के द्वारा प्राथमिक जांच में ही डिलीवर में डिफरेंस बताया जा रहा है, जिसके लिए पेट्रोल पंप की यूनिटें सील की जा सकती है। हालांकि अभी भी कार्रवाई जारी है। अब देखना यह है कि जांच के दौरान कितनी अनियमितताएं निकल कर सामने आती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में करौंडिया पेट्रोल पंप में की गई कार्रवाई के बाद अब यह दूसरी कार्रवाई है, जिसके बाद रीवा शहर के पेट्रोल पंप संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ये श्रम अधिनियमों और नापतौल से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो उस संबंध में खाद्य नियंत्रक महोदय के द्वारा कल मुझे बताया गया था, इसमें निरीक्षण करना है। ये निरंतर कार्यवाही है, 2-3 दिन से चल रही है शहर के अलग अलग पेट्रोल पंपों में। उसी के तहत 3 विभागों की ये कार्यवाही है, श्रम विभाग, खाद्य विभाग और माप तौल विभाग। क्या चीज़ें अभी तक देखने को मिली? खाद्य विभाग का तो खान साहब अभी कर ही रहे हैं, माप तौल की भी कार्यवाही जारी है। श्रम विभाग के जांच में पता चला कि श्रम अधिनियमों का यहाँ पे पालन नहीं पाया गया है और पंजी संधारण और जो अन्य जो भी दस्तावेज रिकॉर्ड रखने चाहिए PF ESI से संबंधित कर्मचारियों के, यहाँ कोई भी रिकॉर्ड अभी तक पाए नहीं गए हैं। सर, रजिस्टर्ड कितने कर्मचारी हैं, बिना रजिस्टर्ड कितने चल रहे थे, वो पाए गए? इनके द्वारा पूर्व में जो पंजीयन कराया गया था उसमें कर्मचारियों की संख्या 10 दिखाई गई थी, पर वर्तमान में इनके यहाँ 20 कर्मचारी कार्यरत पाए गए हैं। कार्यवाही निरीक्षण इनके किए गए हैं और निरीक्षण में इनको 7 दिवस के लिए समय दिया गया है कि 7 दिवस में जो भी नॉन कंप्लायंस मिली है इनकी, उसके संबंध में ये अपना स्पष्टीकरण देंगे कार्यालय को। जो भी रिकॉर्ड या पंजी जिन्होंने संधारित नहीं किया उसका स्पष्टीकरण देंगे और उनके स्पष्टीकरण के पश्चात जो है उस पर अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी विधि अनुसार। कौन से पेट्रोलियम? ये स्नेह पेट्रोलियम। नाम? आशीष पांडे। कल यहाँ की शिकायत ये थी कि कर्मचारी इनके मास्क नहीं लगाए हुए थे, तो कोरोना का पालन जो है 19 का पालन नहीं कर रहे थे, तो उस संबंध में इनकी एक शिकायत थी। तो उस आधार पर इनकी जनरल जांच चल रही है, 3 विभाग की जांच है, खाद्य विभाग की और नापतौल विभाग की और श्रम विभाग की संयुक्त रूप से जाँच है। जाँच में अभी प्रथम दृष्टया जो यूनिट क्रमांक 1 है, यूनिट क्रमांक 1 के नोजल से 5 लीटर में तो स्टॉक ठीक आ रहा है, लेकिन 20 लीटर का स्टॉक चेक करने पर कुछ डिलीवरी जो है शॉर्ट जा रही है। इसी तरह से जो इनके 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट की जांच चल रही है, अंतिम जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितना शॉर्टेज इसमें किस किस यूनिट से है। इसके अलावा जो श्रम विभाग की जाँच हुई है, श्रम विभाग की जांच में इनके जो यहाँ का बिजनेस के संबंध में जो लाइसेंस है, लाइसेंस 17 के बाद रिन्यूअल नहीं होना पाया गया है, और जो एम्प्लाइज़ हैं, एम्प्लाइज़ की यहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए कौन कौन से एम्प्लाइज़ हैं और उनकी सैलरी क्या है, सैलरी किस हिसाब से दी जा रही है, तो सैलरी भी नगद देना बताया जा रहा है, जबकि नगद देना ऑब्जेक्शनेबल है, उनको खाते के माध्यम से पेमेंट होना चाहिए था। तो इस मामले में श्रम विभाग अलग से अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो डिलीवरी में शॉर्ट डिलीवरी अगर आती है तो जिन जिन यूनिटों की शॉर्ट डिलीवरी आएगी उसकी वेट्स एंड मेजरमेंट के माध्यम से अलग से कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की ओर से हमने चेक किया हुआ है,
हमारा स्टॉक में भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 4% से अधिक आ रहा है, तो जो 4% से अधिक डीजल पेट्रोल में अंतर आ रहा है उसके संबंध में भी खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है, जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और उनको विधिवत नोटिस जारी होकर अगली इस पर कार्रवाई होगी। प्रकरण खाद्य विभाग का भी बनेगा, श्रम विभाग का भी बनेगा और आपके वेट्स एंड मेजरमेंट नाप तौल विभाग का भी, तीनों विभाग के अलग अलग प्रकरण बनेंगे। सर, ये संचालित रहेगा कि सीज कर दिया जाएगा? अभी स्थिति क्लियर होगी, अगर हमारे पास नोजल से जो डिलीवरी जा रही है अगर इसमें अंतर जो निर्धारित छूट सीमा है उससे अधिक होगा तो वो नोजल जो है सील किए जाएंगे। पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी आपके द्वारा कनौडिया पेट्रोल पंप चौड़िया, इसमें क्या चीज़ है? कनौडिया में ये आया था कि पेट्रोल की 10 यूनिट में शार्ट डिलीवरी थी तो उसका जो है प्रकरण बनाया गया और 10 यूनिट जो है उसकी सील किया गया था और क्या नाम है उसकी विधिवत कार्रवाई जो है नाप तौल विभाग द्वारा की गई है। इसके अलावा श्रम विभाग का भी जो उनके कर्मचारी थे उनके रिकॉर्ड जिस हिसाब से मेंटेन करना था उन्होंने मेंटेन करके नहीं रखा था तो श्रम विभाग द्वारा भी कार्रवाई की गई है। इसी लिंक संचालित है पेट्रोल पंप कनौडिया वाला भी, कनौडिया वाला जो संचालित है उसमें वो यूनिट जो जिसमें डिलीवरी सही थी उनको छोड़ा हुआ है तो उतनी यूनिट, जैसा आपका पेट्रोल में लगभग 3 या 4 यूनिट ऐसी है जो ठीक पाई गई थी तो वो छूटी हुई है, वो 4 यूनिट चल रही है। डीजल की लगभग सभी यूनिट सही थी। इसके अलावा फिर चमड़िया पेट्रोल पंप की भी उसी लिंक में जांच की गई थी तो चमड़िया पेट्रोल में भी एक इनका जो नोज़ल है वहाँ से शार्ट डिलीवरी थी तो वहाँ भी उसको भी सील किया गया है।